प्रकार के बारे में जानते हैं। दरअसल यहाँ पर हम लोग जो सहसंयोजक बंध के प्रकार के बारे में जानेंगे वो सिग्मा और पाई बांड से रिलेटेड होंगे, यानी सिग्मा और पाई बांड के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिग्मा और पाई, सिग्मा को सिग्मा डिनोट करते हैं, पाई को पाई डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से, किस प्रकार के बांड को सिग्मा और किस प्रकार के बांड को पाई बांड कहते हैं। दरअसल अगर परमाणु ऑर्बिटलों का सिरों से सिरों का त्व्यापन हो इस प्रकार से, राइट, ये सिरों से सिरों का त्व्यापन, तो सिग्मा बांड बनेगा। और कैसे बांड बन सकता है सिग्मा बांड, ये देखिए, अगर सिरों से सिरों का त्व्यापन होगा तो सिग्मा बांड बनेगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है, सिरों से सिरों का त्व्यापन होगा सिग्मा बांड होगा। अगर लैटलर ओवरलैपिंग होगी इस प्रकार से, ये ऐसे लैटलर ओवरलैपिंग ये है बच्चों, ये लैटलर ओवरलैपिंग, राइट, ये लैटलर ओवरलैपिंग है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पाई बांड कहेंगे। ये बात समझ में आई, ये पाई बांड, ये लैटलर। तो लैटलर जो ओवरलैपिंग बहुत हल्का ओवरलैपिंग होती है, जो सिग्मा बांड की ओवरलैपिंग होती है बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग, इसलिए सिग्मा बांड पाई बांड की तुलना में काफ़ी मजबूत होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं सिग्मा बांड पाई बांड, जब दो परमाणु ऑर्बिटलों का सिरों से सिरों का त्व्यापन होता है, दो परमाणु ऑर्बिटलों का सिरों से सिरों का त्व्यापन यानी इंड टू इंड ओवरलैपिंग होने से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं, राइट। दरअसल सिग्मा बंध भी इस प्रकार से होते हैं, यस यस ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग और यस पी ओवरलैपिंग, डी डी ओवरलैपिंग भी होता है, डी पी ओवरलैपिंग भी होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिग्मा बांड जब भी बनता है तो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़बरदस्ती, ये देखिए बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई है, राइट। यहाँ पर देखिए पाई बांड की भी ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ये आप देख पा रहे हैं। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो सिग्मा बांड क्या होंगे, मजबूत होंगे पाई बांड की तुलना में। ये देखिए एस पी ओवरलैपिंग, इसकी भी ओवरलैपिंग क्या है, ज़्यादा है, किसकी तुलना में, पाई बांड की तुलना में, राइट। अभी हम लोग पाई बांड के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो इस प्रकार से जो बांड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बांड कहते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम लोग पाई बांड के बारे में जानते हैं, अभी हम लोग सिग्मा बांड के बारे में जान पाया, पाई बांड के बारे में जानेंगे। दरअसल दो परमाणु ऑर्बिटलों का जब पार्श्वीय त्व्यापन होता है यानी लैटलर ओवरलैपिंग, तो पाई बांड बनता है, राइट। ये देखिए ये किस प्रकार का त्व्यापन हो रहा है, लैटलर ओवरलैपिंग हो रहा है, लैटलर ओवरलैपिंग, पार्श्वीय त्व्यापन, सिरों से सिरों से पार्श्व पर हल्का त्व्यापित हो रहा है, राइट। तब जो बांड बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पाई बांड कहेंगे। बात समझ में आई। दरअसल सिग्मा बांड पाई बांड की तुलना में काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि सिग्मा बांड का त्व्यापन अधिक होता है, राइट। और इसे हमने आपको इस एग्जाम्पल में भी समझाया, सिग्मा बांड का त्व्यापन ये आप देख पा रहे हैं इस पाई बांड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा, इसलिए सिग्मा बांड मजबूत है। अब एक और बातें हम लोग जान लेते हैं, जैसे कहीं कहीं देखा जाता है सिंगल कोवेलेंट बांड होता है, कहीं कहीं डबल कोवेलेंट बांड होता है, कहीं कहीं ट्रिपल कोवेलेंट बांड होता है। तो इसका क्या मतलब है, सिंगल कोवेलेंट बांड, डबल और ट्रिपल? तो बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं सिंगल कोवेलेंट बांड केवल सिग्मा बांड होता है, अगर डबल कोवेलेंट बांड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, राइट। ट्रिपल कोवेलेंट बांड में एक सिग्मा, बाकी के ऊपर के दो पाई होते हैं। सिंगल बांड में ओनली फॉर सिग्मा, डबल बांड में सिग्मा पाई, ट्रिपल बांड में एक सिग्मा दो पाई। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं पूरी बातें इसमें यही बताई गई है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, बेंजीन, इन सभी में सिग्मा बंधों की संख्या के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग सिग्मा और पाई बांड के बारे में जान पाए, अब हम लोग सीखेंगे मेथेन अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बांड होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कार्बन सिंगल बांड हाइड्रोजन, सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड हाइड्रोजन, इसमें देखिए सिंगल कोवेलेंट बांड जितने होते हैं सब सिग्मा बांड, अभी हमने आपको बता दिया कि सिग्मा 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 सिग्मा, कुल चार सिग्मा बांड हैं। अब हम लोग देखते हैं एथिलीन अणु, एथिलीन अणु में कितने सिग्मा कितने पाई। एथिलीन अणु की आकृति कुछ ऐसे होती है, सिग्मा बांड देखते हैं एक दो तीन चार पाँच, पाँच सिग्मा बांड हुए, बाकी का